चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गौशाला में 7000 गौ माता निवास करती है, जिनके लिए 18 शेड बनाए गए हैं। वही गौशाला के संचालक श्री पाद बाबा दामोदर दास महाराज ने बताया है कि ये सभी गौ माता ऐसी है जो दूध नहीं देती है, लेकिन इनको हर रोज 1000 क्विंटल चारा डाला जाता है। इनके पीने के लिए ताजे पानी की व्यवस्था की गई है। इन्हीं सभी विषयों पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता बीडी कौशिक ने गौशाला का जायजा लिया है और गौशाला के संचालक श्री पाद बाबा दामोदर दास महाराज से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है गौशाला के संचालक श्री पाद बाबा दामोदर दास महाराज ने। देख रहे हैं ये भी गौ में, ये गाय ये सब आपकी सेवा में ही है। हाँ, तो ये बताइए आपकी दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या रात के 12 बजे उठता हूँ और ठीक 2:30-3 बजे सोता हूँ। रात भर मशीनें चलती है, फिर दिन में सुबह 5 बजे से फिर काम चालू हो जाता। तो इतने दिन में आपके साथ रह के गौओं से तो दोस्ती हो गई होगी ना? गाय से सबसे दोस्ती है, सब पहचानती है गाय। अच्छा, हाँ। जैसे नाम कुछ नाम नहीं है, इतना ही कहता हूँ डंडे से। हाँ। रात के टाइम डंडा से दीवार पे डंडा मारता हूँ, चलो। हाँ। तो अपने आप लाइन से एक लाइन से चलने चालू कर देती, बस इससे आगे कुछ नहीं। अच्छा, इतने में नाम किसका रखेंगे, नाम तो समस्या है बहुत। अच्छा महाराज जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। हाँ। कभी जैसे लोग चमत्कारों की बातें करते हैं, कभी ऐसा चमत्कार हुआ है कि ठाकुर जी ने दर्शन दिए हों? एक बार, एक सेकंड, ठाकुर जी ने दर्शन दिए ये कोई बताने की चीज नहीं है। जी जी। और ईश्वर तो सामने खड़ा है हमारे, इतना जी बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं। जी जी। तो पैसे तो चाहिए। हाँ, और पैसे के लिए हम इनको कह देते पैसे ले आओ, तो पैसे ले आते। और गाय को कह दूं चारा मत खाना, तो गाय चारा नहीं खाएगी। क्या बात, ऐसी कोई खास बात नहीं है। इनको कह दूं ना आज चारा नहीं है। हाँ। तो चारा खाएगी नहीं, उतना ही पड़ा रहे। एक बार नहीं, मैंने इसका प्रैक्टिकल 10 बार करा है। अच्छा। हाँ। क्या बात है महाराज, ये बात आपकी सुन के तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए कि गौ माता को ये कहोगे चारा नहीं खाए तो पूरा दिन चारा ना खाए। नहीं खाएगी, उसमें क्या है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, जैसे लोग क्या करते हैं, चमत्कारों की बहुत बातें करते हैं, हम बहुत चमत्कार सुनते हैं। हाँ। अपने जीवन का कोई ऐसा कोई चमत्कार हो तो बताइए। क्या चाहते हैं, एक बार मौत भी खड़ी रहेगी, अगर कह देना मौत रुक जाना तो रुक जाएगी। जी जी। इससे बड़े आगे क्या जय हो। तो आपने सुना होगा और देखा भी, महाराज जी कह रहे हैं कि अगर गौओं को कह दूं कि चारा नहीं खाना है या चारा नहीं है, तो बच्चों की तरह वो उस दिन चारा ही नहीं खाएंगी। यानी इतनी संवेदनशील जो गाय माता होती है वो है। तो आइए और चलते हैं, आपको पूरी गौशाला के दर्शन कराएंगे यहाँ पे, कि कितनी गायें हैं, कैसे चारा है और कैसे इनका मैनेजमेंट है। आइए चलते हैं जी। जो पीछे आलूओं के ढेर लगे हैं और ये चारा भरा हुआ है, ये सब गायों के लिए। आलू भी गाय खाएगी, गन्ना भी गाय खाएगी, भूसा भी गाय खाएगी, सबको मिला दिया जाएगा। चोकर भी मिला दिया जाएगा, गाय को डाल दिया जाएगा। आलू, गन्ना, चोकर और भूसा ये सब मिला के, यानी कि एक मिश्रित बढ़िया चारा बना के पौष्टिक वो और वो गायों को डाला जाता है। तो महाराज जी, कोई दानी वगैरह भी आता है? दान भी आएगा, तो एक में जो अपने पाप काटने आएगा, पाप को हमारे पार्टनर बना देगा जी, और जी, पैसे जी, दे देगा तो उसका दान कर देंगे, नहीं तो जी 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 हमारा खुद का मैनेजमेंट है। जो आएगा कुछ देखे ही जाएगा, इसमें कोई नहीं है कि न देखे जाए। जी जी। इस तरह से गौ माता की सेवा की जाती है। 7000 गाय रखना, उनकी सेवा करना, उनकी दवा दारू करना मायने रखता है। और एक भी गऊ ये नहीं कि संतुष्ट, बिल्कुल संतोषी भाव में हमने देखा कि गाय अपनी जगह बिल्कुल ऐसे खड़ी थी कि बिल्कुल पेट भरा हुआ संतोष, हमारी तरफ दौड़ी भी नहीं है कि कोई चारा देंगे या कुछ देंगे, वो हमारी तरफ दौड़ती। और आइए महाराज जी से कुछ और बात करते हैं थोड़ा सा। अच्छा महाराज जी, ये गोदाम भरा हुआ है। हाँ। ये तो ऐसे है जैसे किसी लाला जी का गोदाम भरा। तो लाला जी का गोदाम नहीं, गायों को अगर रखी है तो उनको खिलाना हमारा फर्ज है। कितनी बोरियां होंगी? कम से कम इसमें 10000 बोरी से ऊपर होगा। 10000 बोरी? हाँ। इसमें है? हाँ। ये सब गौओं का चारा है? सारा ही गायों का चारा है। ये कहाँ से आता है? सब मार्केट से परचेज करते हैं। खुद खरीदते हैं? खुद खरीदते हैं, और सबको पैसे देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं पैसे न दे, सबसे खरीदा जाता है। महाराज जी, ये जैसे जेसीबी खड़ी हुई है मशीनें। हाँ। और ट्रक खड़े हुए हैं। हाँ। तो ये किस लिए है? ये इसलिए है कि ये गायों की सब सेवा करते हैं। अच्छा। इनसे चारा डाला जाता है, अगर कोई गाय मर गई है तो उसको जेसीबी खोदेगी गड्ढा, तुरंत उसका संस्कार कर दिया जाए। और ये जितने लोडर खड़े हैं इससे चारा डाला जाए, आदमी
कोई काम नहीं करता। अच्छा अच्छा। और इतनी गायों को चारा डालने के लिए अगर मशीन ना हो तो चारा डालना संभव ही नहीं है। तो ये थे वृंदावन से दामोदर जी महाराज, जिनका ये कहना है कि गऊ की सेवा कर लो। आप 36 करोड़ देवी देवता की बजाय एक जो देवता है गऊ है, और गऊ की अगर आप निरंतर सेवा करते हो तो ऐसा यानी कि मन वचन कर्म और भौतिक और दूसरे भी जो ताप हैं जो माने जाते हैं, तो उनका कहीं भी मनुष्य पे प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वृंदावन धाम से मैं बीडी कौशिक।